को मिले और इस बार बिल्कुल गुलाब था ऐसा खर्चा था ये गूंज हमें लग बोलू चल कर एडीबी ग्रुप ने पहले एक टीम की तरफ से देखा जाए तो कुल 9 मैदानी गोल एडीबी ग्रुप के नाम हुआ है। अब द्वितीय चक्र का द्वितीय मैच अभी हम लोगों के सामने है। दर्शक साथियों आप लोगों को बता दूं और ये आज का अंतिम द्वितीय मैच है। इस मैच के बाद और एक मैच होगी इसलिए आप और कहीं नहीं जाकर मैच की हर एक चीजों का आनंद उठाएं। मैच शुरुआत हो चुके गुलाब का बिल्कुल मैच रेफरी आकाश राज सुमित को क्षमा करेंगे तो फिलहाल मैच शुरुआत हो चुका है सुरेंद्र। और जिस प्रकार से प्रथम राउंड में ये राधे राधे ने निश्चित इतना बेहतरीन फुटबॉल खेले इस बार गेंद से ज्यादा बिल्कुल गोपी सोई को रोकने का प्रयास किया गया। ये गोपी सोई इनके पास ऐसा क्षमता है ये गेम चलाने के दमखम रखता है ये प्ले मेकर के तौर पर जाने जाते मिडफील्ड में और मिडफील्ड में बहुत ही कमाल का फुटबॉल खेलते हैं। राज निस्संदेह प्रथम राउंड विकेट में हालांकि इनके नाम एक भी गोल नहीं है लेकिन मौका क्रिएट जरूर किए हैं अपने टीम के कप्तान के लिए। बिल्कुल गुलाब दा यहाँ पे जो राधे राधे की टीम है पीला और ब्लू पोशाक के साथ जो खेल रहे हैं ये टीम भी प्रथम चक्र में 3-0 के अंतर से जीत दर्ज की है इसलिए ये मैच भी बहुत बड़ा होने की संभावना है। अब देखने वाली बात है शुरुआत किस ओर से होती है ड्राइवर एकादश प्लास्टिक हालांकि इन्हें आज मैदानी गोल का कोई अभ्यास नहीं हो पाया है प्रथम चक्र में इन्हें चाय के माध्यम से जीत मिली थी। अब द्वितीय चक्र में राधे राधे के खिलाफ अभी मैच चल रहे हैं। अब देखने वाली बात है कौन पहले मैदानी गोल की शुरुआत करते हैं। हाँ बिल्कुल बहुत कम समय में राजेश टुडू फुटबॉल के पटरे में सबसे तेज दौड़ने वाला खिलाड़ी है ये राजेश टीम के कप्तान फिलहाल नेतृत्व करते हुए राधे राधे की ओर से जर्सी नंबर 11 पे 6 पे नजर आ रही है 11 पे नजर आ रही है क्षमा करेंगे। तो सही मायने में देखा जाए तो बहुत कम समय में एक बेहतरीन खिलाड़ी के तौर पर अपने आप को साबित किए हैं और इस मैदान में भी अपने प्रतिभा को साबित करते हैं। बिल्कुल पिछले मैच में 2 गोल इनके पास और इस बार थ्रू गोल पे क्या कमाल की डिलीवरी डालने का प्रयास कर रहे थे इंसाइड द पेनल्टी बॉक्स में बट ड्राइवर का 10 प्लास्टिक ये ड्राइवर समझ चुके हैं कि ये टीम कितना खतरनाक है क्योंकि पिछले मैच में 100 मैन साधु मुरानी की टीम को बिल्कुल एक तरफा मुकाबले में शून्य से पकड़ ला 3 गोल से परास्त किए थे। सही में गुलाब दा एक तरफ ड्राइवर एकादश बिल्कुल ड्राइवर गाड़ी बहुत अच्छा चला लेते हैं लेकिन यहाँ के ड्राइवर एकादश इस मैच को किस तरह से चलाएंगे ये देखने वाली बात होगी। यहाँ इनके प्रतिद्वंदी कोई और नहीं राधे राधे की टीम है ऐसे भी हर समस्या का निवारण के लिए हम राधे राधे का जॉब करते हैं और यहाँ ड्राइवर एकादश के खिलाफ में ही राधे राधे और इसी क्रम में एक अटैक बनाने का प्रयास करते हुए दाएं फ्लैंक से थोड़ा सा होल्ड अपने और पहले के बाद थोड़ा सा साइनिंग नजर आ रही टीम में और होना भी चाहिए जब सामने इतनी बेहतरीन टीम है तो आपका बड़ा खेल को जितना ज्यादा इंचन को जितना ज्यादा ऊपर कर सकते हैं आप कर लीजिए। गुलाब दा खेल के क्रम में एक के साथी का साथी खो गया अनायास ही भटक रहे हैं। भाई चाटिया महतो जी आप बांसा के हैं आपके दोस्त बुधराम महतो आपको खोज रहे हैं आप अपने गाड़ी के पास चले जाएंगे धन्यवाद। बिल्कुल चलती खेल राधे राधे धीरे धीरे अपने खेल को निखारने की कोशिश करता हुआ अपने ही क्षेत्र पर
बंटवारा के साथ खेलने के क्रम में आगे की रास्ता ढूंढने की कोशिश। शायद ये शॉट्स बहुत अच्छी नहीं मानी जाएगी, थ्रो इन मिलेगा प्रतिद्वंदी दल ड्राइवर एकादश को। और ड्राइवर एकादश बहुत ही सोच समझ कर खेल रही है, वो पिछला मैच देखा बिल्कुल सामने बड़ी टीम है तो सोच समझ कर आपको खेलना पड़ेगा। हालांकि इस बार एडियन बॉल हेडर क्षेत्र में बिना सफलता हुआ इस बार, और काफी देर तक ठीक हमारे मंच के सामने से ही हालांकि किस तो आस्था सुनील के साथ कम बन करने का प्रयास। चलिए बहुत अच्छी चीज सामने आई, विगत मैचों में किस्टो बाबू को सरदार घोषित कर दिए गए थे, हम लोग उसको संशोधन करते हैं। किस्टो बाबू इसको आप दिमाग में नहीं लीजिएगा, सारी गाड़ी दा लेकिन पड़ा के नंबर उनका तो हंसदा को दा लेकिन फोड़ के होता है ना। चलिए गुडिया जान करके कथा है ना बोला है चांस ट्रेन ना आरी ना पाएगा इनके बिन रे चिस्टा एक बोले थ्रू बॉल थोड़ा सा टीम चले गए तो गुड बेटा के देखा जाए आप ड्राइवर एक आधा सिर्फ द्वितीय रन बड़ी टीम है तो आपको बिल्कुल उसी प्रकार से जवाब देना होगा जहां जिस प्रकार से अगला टीम खेल बिल्कुल है। ये दोनों दल भली भांति जान चुके हैं हमें जीतना है, भले हम एक गोल से जीते या छह गोल से जीते, और ये टीम बिल्कुल बैकफुट पर जाना नहीं चाह रही है क्योंकि एक बार गोल खाने के बाद वापसी बहुत मुश्किल होता है। वापसी करने के बाद भी आपको ड्राइव करने में बहुत मशक्कत का सामना करना पड़ता है। हम लोगों ने पिछला मैच देखा जहां एक मैच समाप्त हुई थी प्रेम स्पोर्टिंग हाड़ोडी और त्रिमूर्ति संघ गुटियोले के बीच, जहां एक गोल कंसीडर करने के बाद वापसी तो त्रिमूर्ति संघ गुटियोली किए थे लेकिन उन्हें ट्राइबेकर में जाकर फिर मात खाना पड़ा। इसलिए एक बार अगर आप पिछड़ जाते हैं तो ऊपर चढ़ने का विकल्प आपके पास बहुत कम होता है, नहीं होता है ये नहीं बोलूंगा लेकिन बहुत कम होता है। इसलिए ये दोनों दल बहुत चतुर है, हम जरूरी नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा स्कोर करना है लेकिन हम प्रतिद्वंदी दल को स्कोर नहीं करने देंगे। और इस बीच भी अखिल सुनील सरदार का तो गुल बेटा का देखा जाए कि द्वितीय राउंड में पहुंचने के बाद कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये राधे राधे की टीम को शायद किसी की नजर लग गई है। इसमें एक बहुत ही तगड़ा टीम था, अगर ऐसा है राधे राधे की टीम कहीं ना कहीं अब द्वितीय राउंड में पहुंचने के बाद शायद किसी की नजर लग गई। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर ड्राइवर एकादश 11 बदल चुका है, यहाँ पर अपने खेल के स्तर को पूरी तरह सहाय कर चुका है। समझ में नहीं आ रहा कि जो टीम प्रथम राउंड में छिन्न के बकबल तीन गोल से जीत दर्ज की थी द्वितीय राउंड में इस प्रकार से उनका हाल होगा। बिल्कुल ड्राइवर एकादश के टीम के जो कप्तान है 7 नंबर यूनिफॉर्म में वरुण बाबू, और उनका गोलकीपिंग की जिम्मेदारी निभा रहे हैं सूरज, बिल्कुल एक मजबूत खिलाड़ी है। वहीं पे प्रतिद्वंदी दल जो राधे राधे नाम से खेले चैतन्य टुडू एक उम्दा और बहुत ही चतुर गोलकीपर है, टीम के कप्तान तो चतुर है ही राजेश टुडू जो पिछले मैचों के व्यक्तिगत इनके दो स्कोर भी हैं। आप देखने वाली बात है इस मैच में क्या कोई व्यक्तिगत स्कोर के साथ अपने टीम को जीत दर्ज कराना चाहेंगे। वहीं पे ड्राइवर एकादश की तरफ से यादव 99 नंबर यूनिफॉर्म के साथ खेलती हुई, हालांकि किस्टो हल्दा के पास बिल्कुल। इस बीच गोपी सॉय हालांकि गेंद छीना गए हैं और थोड़ी सी तालमेल की कमी, हालांकि फिर से गेंद किस्टो हंसदा भीम सोरेन के पास, भीम सोरेन एक छोटी यहां गोपी सॉय के लिए मौका बनते दिखाई दे रहा था लेकिन फ्रंट फुट पर आए गोलकीपर सौरज अपना प्रतिभा साबित करते हुए सुनील और ये आपके पास जिस प्रकार से गोलकीपर मौजूद है अच्छे टीमों के लिए। और इस बार दूरी से और ये है सुनील सरदार और इसका शॉट इतना और इस बार दूरी से और ये है सुनील सरदार और इसका शॉट इतना साधा था यहाँ पर जबरदस्त। मुझे तो लग रहा है अब तक का सबसे सुंदर स्कोर और प्रभावी
इतने दूरी से साथ एक भी स्कोर नहीं हुआ। चलिए बीस इंडिपेंडेंट गेम ऑफ फुटबॉल, क्या कमाल का गोल। यहाँ पर हमारे पास संसाधन नहीं आया ना था, और हमारे पर मैं तो शंकर जी बोला मैं इस गोल को देख नहीं पाए, हम दुख प्रकट करते हैं शंकर जी हमारे पास ऐसा सकड़ा इसको रिप्ले के तौर पर दिखा देते। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ शायद ये कहा जा रहा होगा कि वह ड्राइवर एकादश खबरदार किक ले रहा है सुनील सौरदा। चलिए सॉक्स दे दिए हैं, हाँ मजा आएगा। अब इस फील्ड में कितना तेल है पता चलेगा तुम्हें। और मुझे तो ऐसा लगा गुलाब दा, सरोज बाबू डाइप लगाने के क्रम में शायद उन्हें सूर्य की रोशनी से थोड़ी बहुत तकलीफ तो नहीं हुई होगी, क्योंकि गेंद बहुत दूर से गई। शायद वो तैयार होकर गेंद तक पहुंच सकते थे, लेकिन सूर्य की रोशनी सीधी उनके आंखों तक आड़े तिरछे आ रही थी, शायद उनसे उन्हें थोड़ी बहुत तकलीफें पहुंची होगी। नहीं तो इतने अच्छे गोलकीपर से ऐसे की को मिस करना बहुत कम देखने को मिला। और इस बीच में फिल्मी तरह से राजेश को नचा के रखते थे, बट इस बार बिल्कुल मजा आ गया। और HLM ट्रॉफी चर्चित तो है ही, और इतने अच्छे चीजों को हमें जो देखने को मिल रहे हैं, इसलिए हम कैसे भूल सकते हैं आदरणीय खुरलाल महतो सर को, हमारे आजसू पार्टी के केंद्रीय सचिव, और हम लोगों के बीच में जन जन तक सेवाएं पहुंचाने के लिए जो हर तकलीफ में आपको साथ मिले। इस वर्ष पांचवा एम्बुलेंस हम लोगों के बीच सेवा के रूप में जन समूह को समर्पित किए, इनके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई। और हमारे लिए इससे बड़ी और खुशी की क्या बात हो सकते हैं, आज उनका जन्मदिन है, उनके सामने बहुत सारी ऐसी तोहफाएं आए हैं, उनके दिलों को हमेशा से ही आज और कुछ जनमानसों के लिए ज्यादा कुछ करने के लिए प्रेरित करेंगे, क्योंकि इतने लोग जो जुड़े हैं ये सब उनको शुभकामनाएं देने हेतु ही आए हैं। सही माइंड में देखा जाए बिल्कुल हमारे दादा, खास कर से रूप से एक डेढ़ सप्ताह पहले जिस प्रकार से बारिश आई थी पूरे ईसागढ़ क्षेत्र में, जिस प्रकार से सेवा का भाव निस्वार्थ रूप से किए हैं, और जितना भी तारीफ करें कम है, सबसे कम पड़ जाएंगे तारीफ करने के लिए सुनील। और ये उनकी टीम हमारे बड़े दादा ने पूरी तरह से सागर जल मग्न हो चुका था, बहुत बड़ी कहानी थी उस बारिश में, और दादा ने बहुत अच्छी तरह से उस चीज को हैंडल किया था। बिल्कुल सकते हैं केवल मैच 6 नंबर चल रहा है और मैदानी गोल 15, तो औसत आप समझ सकते हैं। और यहाँ गोलों की बारिश हो चुकी है, और दूरी से इस बार गोल कीपर को टेस्ट करने का प्रयास, गोल कीपर के लिए बातचीत चैतन गुरु लंबे कदम के गोल कीपर बहुत ही बेहतरीन उमदा, लेकिन आज उनको बहुत ज्यादा इम्तिहान नहीं देना पड़ा है मैच में, क्योंकि प्रथम राउंड में एक तरफा टीम जीत दर्ज की थी, बट कहीं नहीं कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि जो ATP ग्रुप ने इस मैदान में बाकी टीमों को ऐसे स्टेटमेंट दे दिया है कि हम टूर्नामेंट में जीतने के लिए आए हैं, और ऐसा खेल दिखाए इन दोनों टीमों में से कोई भी टीम जीतेगी तो इनका सेमीफाइनल में मुकाबला होगा। बिल्कुल इस बार क्या टीम के कप्तान दस्तक दे के आई। चलिए पोस्ट बताते हैं इस बार, यानी पोस्ट दोस्त बचाते हैं, बन गया इस बार। बिल्कुल ये चमत्कार तो नहीं हो पाया लेकिन नमस्कार करके जरूर वापस आ गए हैं, मजा आ गया गुलाब दा। और ये भाई पर कमाल था,
वर्तमान समय में बिल्कुल जादूगढ़ क्षेत्र के चमकता हुआ सितारे बहुत ही कम उम्र में अपने आप को प्रतिभा का यानी अपना प्रतिभा साबित किए हैं। फिर से एक बार राजेश थोड़ा साइड में लगाइएगा अन्य तरह। तो फिलहाल पिछड़ने के बाद यहाँ पर ड्राइवर का दस की देखिए नो नॉनसेंस ये कैसा गोल भाई जो गोल की खुराक जो मिला है टीम को हमें लगता है कि ये खुराक बॉल बेटा का काम करेगा। राधे राधे एक आसान सा मैच से लगभग पहले आपके दिल में बट शुरुआत बहुत अच्छी तरीके से हुए थे ड्राइवर एकादश की ओर से और इस बार दूरी से शॉट और दूर ही चली गई कंबाइन कर गए भी पीछे रह गए बिल्कुल दीवाल में दे मारे हालांकि फिर से ड्राइवर एकादश दो नंबर टूट के साथ विजय बिल्कुल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें किस रास्ते से आगे आने का मौका मिलेगा लेकिन राधे राधे बिल्कुल जगह देने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। अब देखने वाली बात है क्या जगह बना पाएंगे क्योंकि खेल ही ऐसी चीज है आपको कोई प्यार से आगे नहीं आने देगा खेल के बदल लाल खतरनाक है बहुत ही बेहतरीन बिल्कुल बॉल डी बॉक्स के आसपास में सिर्फ फ्रेम के माध्यम से गेंद काफी बाहर आ चुकी है हालांकि खतरा डाला नहीं किसी भी इस डीप आई बॉल तो इस बार किश्तो के द्वारा लिया गया कि नीचे रखने में नाकामयाब रहे ऊंचाई थोड़ी सी ज्यादा रही इस बार मौका जरूर लिया था और इस तरह इस समय हम यही कहेंगे कि वर्तमान जो खेल चल रहा है जल्द से जल्द अगर ये टीम वापसी करना चाहती है तो ये गोल समांतर स्थिति में लेकर आए उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़े क्योंकि जब तक आप स्टेबल कंडीशन पर नहीं आते तब तक आगे की आशाएं धूमिल होती नजर आ रही है और बहुत समय आपको मिला है खासकर प्रथम चक्र में भी शुरुआती क्षण में करीबन 5 से 10 मिनट के अंदर गोल हुई है उसके बाद आपने 10 से 11 मिनट कुछ नहीं कर पाया अब सेकेंड हाफ पे आपको 20 मिनट का समय मिला है तो मेरे ख्याल से आपको कुछ ना कुछ अभी करना होगा यानी प्ले की गल या फिर आप कर सकते हैं जय भर एकादश